और उसका कारण यह है कि जब मैं देर रात तक जागता हूं तो वही प्रेम पढ़ता रहता हूं, क्लास में जाता हूं तो वही प्रेम पढ़ाता रहता हूं, और मंचों पे होता हूं तो वही प्रेम पढ़ता हूं। मेरी पूरी शिक्षा से लेकर शिक्षण कार्य तक केवल प्रेम पे है। मैं आपको प्रेम सुनाऊंगा अनूप भाई, मैं गीत पढ़ूंगा, मैं मुक्तक पढ़ूंगा, लेकिन मेरा मन है कि आज मैं इस अवधि की धरती पे हूं और मेरे नाम के साथ शायर लिखा गया है, तो यहां इस मिट्टी पे एक प्रयोग करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कैसे सुना जाता है। मैं अवधि की हजल पढ़ना चाहता हूं, अनुज दादा की उपस्थिति है, मैं प्रयोग करना चाहता हूं कि ये नई चीज सामान्यतः आजकल कम पढ़ी जाती है, तो मैं वो हजल पढ़ कि इतना कमाई तबो पर पूरा नहीं परत। यह हम सब की स्थिति है क्या कहने कि इतना कमाई तबो पर पूरा नहीं परत, इतना कमाई तबो पर पूरा नहीं परत, वह सब मजे महाई जे कुछ वह नहीं करत, वह सब मजे महाई जे कुछ वह नहीं करत, वह सब मजे महाई जे कुछ वह नहीं करत। अगला शेर देखे कि जेकर भुजाई भांग नहीं वो कहा थे, जेकर भुजाई भांग नहीं वो कहा थे, बिगहन पुदीना खेत में हमारे आहे सरत, बिगहन पुदीना हमारे खेत आहे सरत, इतना कमाई तबो पे पूरा नहीं परत। और सुने युवाओं के लिए कि दिन भर तो फोन कान में चपकाए रहा थे, दिन भर तो फोन कान में चपकाए रहा थे, बेटवा इलाहाबाद के फारम आहे भरत, बेटवा इलाहाबाद के फारम आहे भरत, इतना कमाई तबो पे पूरा नहीं परत, अमाई से बाप से न कबो प्रेम से बोले, माई से बाप से न कबो प्रेम से बोले, लड़का हमारे लड़की के पीछे आहे मरत, बेटवा हमारे लड़की के पीछे आहे मरत, इतना कमाई तबो पे पूरा नहीं परत। और दादा विशेष आपका आशीर्वाद चाहूंगा, इन मंचों से जो अपेक्षा की थी आदरणीय शुक्ला भैया ने, उनकी दिशा पर मैं इसे ले जाना चाहता हूं। स्वागत है भैया कि चिमनी मतेल डाई के काटी थे महीना, चिमनी मतेल डाई के काटी थे महीना, टंकी के मालिकन के तो पेटे नहीं भरत, टंकी के मालिकन के तो पेटे नहीं भरत, इतना कमाई तबो पे पूरा नहीं परत। और एक आखिरी शेर है कि अम्मा बुढ़ाई दाव भैंस कैसे राख ले, अम्मा बुढ़ाई दाव भैंस कैसे राख ले, नई की बहू के हाथ से दूध नहीं गरत, नई की बहू के हाथ से दूध नहीं गरत, इतना कमाई तबो पे पूरा नहीं परत, वह सब मजे महाई जे कुछ वह नहीं करत। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार तालियां बजाकर।